ब्राह्मण थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे फिरोज गांधी जो पारसी थे। तो जवाहरलाल नेहरू तक तो ब्राह्मण रहा, ब्राह्मणों का खून रहा। जवाहरलाल नेहरू की बेटी वो भी ब्राह्मण, क्योंकि वो नेहरू की बेटी थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की जो कि एक पारसी थे, और उनके दो बेटे हुए राजीव और संजय, वो दोनों ब्राह्मण कैसे हो गए? पारसी बाप के बच्चे ब्राह्मण कैसे हुए? वो दोनों पारसी हुए। राजीव गांधी, संजय गांधी दोनों पारसी थे। माँ उनकी ब्राह्मण थी, लेकिन माँ का तो सिर्फ एक बैकग्राउंड होता है। असली चीज़ क्या है? माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाप होता है। खून तो बाप का होता है ना।